सो मैं विसर न जाई।
हम पे न जा हो न जाए किता ना हो आपे आप निरंजन सो आपे आप निरंजन सो जिन से बिया तिन पाया जिन से मिया तिन पाया मां नानक गाविए गुनी निधा नानक गाविए गुनी निधान सो मैं विसर न जाए 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 सपना जिया का एक दाता सपना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाए 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 गाविए सुनिए मन रखिए गाविए सुनिए मन रखिए दुख पर हर सुख घर ले जा दुख पर हर सुख घर ले जा घर ले जा सो मैं विसर न जाई सो मैं विसर न जाई सो मैं विसर न जाई सो मैं विसर न गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदन गुरुमुख रहया
सुमाई। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे सुमाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नही कहना कथन न जाए। जे हो जाना आखा नही कहना कथन न जाए। गुरा इक देह बुझाई गुरा एक देह बुझाई एक देह बुझाई। एक देह बुझाई सपना जियो का एक दाता सो मैं विसर न जाई। 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 सपना जिया का एक दाता सपना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। 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 गुरा एक देह बुझाई गुरा एक देह बुझाई सपना जिया का एक दाता देह बुझाई सपना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाए। सो मैं विसर ना जाए। गुरा
पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी सो मैं विसर न जाए। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए सो मैं विसर न जाए। जय प्रसाद सुगंधित तन लावे सो मैं विसर न जाए। जय प्रसाद सुने करण नाद जय प्रसाद देखे विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना सो मैं विसर न जाए। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे सो मैं विसर न जाए। आखा जीवा आखा जीवा विसरे मर जाओ आखन औखा सचा नाओ सच नाम की लाग भूख उत भूखे खाए चलिए दुख सो क्यों विसरे सो क्यों विसरे मेरी माए सच्चा साहिब सो मैं विसर न जाए। साचा साहिब साच नाए साचा साहिब साच नाए साच नाम की तिल वड़ाई आँख थके कीमत नहीं पाई सो मैं विसर ना जाए। थप्पिया ना जाए कीता ना हो बड़े देखे नी भगवान जिन्ना नु कोई बनांदा कोई बुत तराश बना रहे है ते कोई दिन निश्चित करके उन्नु स्थापित कर रहे है। एक ख्याल करे जिस मूर्ति नू कोई बुत काड़ा बनांदे वो जिन्नी देर बुत काड़े दे स्टोर विच शोरूम विच पई है उन्नी देर भगवान नहीं बनाने वाला भी मनुख है ते जिन्नी देर उनके शोरूम विच पई है उन्नी देर भगवान नहीं उत्थे पई मूर्ति नू कोई मत्था नहीं टेकदा
कोई फूल माला नहीं चढ़ाता, क्योंकि अजे भगवान स्थापित नहीं ना होया। फिर कोई शरदा वन खरीद के लियाउंदा ते वो तारीख निश्चित करदा फलाने दिन ये मूर्ति स्थापित होवेगी, उस दिन इनू भगवान थापिया जाएगा, बनाया जाए। पहले बुत बनाया, मुड़ भगवान बनाया। दोनों चीजा मनुख ने कीतिया, क्योंकि मनुख ने कीतिया इसलिए बनाने वाले दी भी कोई कीमत सी ले ली, दिन निश्चित सी बन गई। जे बनवाने वाले ने जाके पूछया ना मेरे भगवान की मूर्त बन गई, कहिंदा नहीं अजे दो दिन होर लगेंगे, तेरा भगवान बनांदे आ दो दिन लगेंगे। मुड़ स्थापित करने लई तारीख निश्चित हो गई, फलाने दिन यह भगवान थापिया जाए, उस तो बाद किसी ने मत्था टेकना है, उस तो बाद किसी ने फूल माला चढ़ानी, क्योंकि मूर्ति स्थापित हो गई है। परे मैं किसी का विरोधी नहीं, पर बाणी सच है, ये भला सच किसे तक पहुंच जाए, जिंदे तक पहुंच जाए उनका ही भला हो जाए, बाणी सच है। गुरु आखते ने मेरा रब मेरा भगवान वो है जिन्हों किसी ने बनाया भी नहीं स्थापित भी नहीं किया। जे उन्दे तो पहला कोई होवे तो उन्हों बनावे, ते जे उन्दे तो पहला कोई होर होवे उन्हों बनाने वाला, फिर वो आद सच किवें होया। उन्दे तो पहला कोई है ही नहीं सी उन्हों बनाना किने सी। तू तो भगवान तो वड्डा बन रहे हैं जिस दिन तू किसी मूर्ति नू भगवान आख रहे, क्योंकि वो तेरी बनाई हुई तेरी स्थापित की हुई भगवान बनी, तू तो भगवान तो वड्डा हो गया। एक गैर गंभीर सच्चाई है, प्रचोलन की लोड़ है, अपने अंदर चात पाने की लोड़ है। जिस दिन मूर्ति नू स्थापित करके तू मत्था टेकना है उस दिन तू भगवान का घाड़ा बन जाना है, भगवान नू बनान वाला बन जाना है। ते भगवान नू बनान वाला तो भगवान तो वड्डा होया, फिर तू छोटा किना मत्था ही क्यों टेकना है। गुरु कहते ने मेरा भगवान वो है थापे आ ना जाए, थापे आ ना जाए कीता ना हो, ना किसी दे बनाया बने, ना किसी दा स्थापित कीता होया स्थापित होया। थापिया ना जा कीता ना हो, आपे आप निरंजन सो, वो अपने आप है स्वयं आप ही ना आप साजे हुए। मैं तो उनकी संतान हाँ, भला पिता का जन्म कह जाने पुत, मैं किवें आख सकना मेरा रब फलानी तरीख नू बनिया फलानी तरीख नू स्थापित हो गया, आख ही नहीं सकता, वो आपे आप है। हाँ ये गल है, निरंजन है, अंजन दे विच बैठा भी निरंजन है, संसार विच रहिंदा होया भी निर्लेप है, आपे आप निरंजन सोए। हाँ एक ख्याल करी, जिन सेव्या तिन पाया मान, हुण इत्थे थोड़ा जिहा सूक्ष्म भेद समझना। जिन सेव्या तिन पाया मान है, सेवा का लफज जिहड़ा है, मैं एक बार कीती सी सेवा ते सिमरन विच इक अंतर है, सिमरन लई मैं इकला होवां मैनूं दूजे की लोड़ कोई नहीं, सेवा लई मैं इकला होवां ते किंदी सेवा करांगा, दो चाहिए,
एक सेवा करने वाला, एक सेवा कराने वाला। ते मेरा रब जे निरंजन है तो अदिख है, क्योंकि जिन्ना दिसन वाला समाज है, जिन्ना दिसन वाला संसार है, वह अंजन है, माया जिन्ना दिसद है वह माया स्वरूप है, वह संसार दिसद है, रब दिसदा नहीं, वह निरंजन है, माया तो रहता है। तो जिहड़ा दिसदा नहीं उहदी सेवा किवें करां, मसला आ गया। भला उस निरंजन की सेवा की है, लो इथों एक भेद खुलना। एक पासे उहनूं आख रहे ने वह निरंजन है, निर्लेप है, माया रूपी संसार दिसन वाले संसार जिहड़ा जमदा है, मरदा है, पैदा हुंदा है, मिटदा है, बनदा है, टहिंदा है, इस संसार का वह हिस्सा नहीं, इन्दे तों निरलेप बैठा है, वह निरंजन है, अंजन नहीं, अंजन कहते हैं माया, वह निरंजन है। तो जे वह अदिख है जिहड़ा मिटदा नहीं, खत्म नहीं हुंदा, अकाल मूरत है, अजूनी है, स्वयंभंग है, तो उस अदिख की सेवा किवें करां, सवाल खड़ा हो जाएगा। तो तुम आख रहे हो जिन सेविया तिन पाया मान, जिन सेविया तिन पाया मान। दूजे पासे गुरु ने बड़ी खूबसूरत गल का एक होर जिक्र कर दिता, कहन लगे उनकी सेवा है कि आप गवाए सेवा करे तो कि छुपाए मान। गल मान दी है, वड्याई मिल रही, मानता मिल रही, वो भरिया उनकी सेवा है, उनके सामने आपा गवा देना, उनकी सेवा है, उनके सामने आपा भेंट कर देना, अपनी हो खत्म हो जाए, क्योंकि लगातार हुक्म ते फैसला हो रहा है, उनकी सेवा है आपा गवा देना, केवल उनकी सिफत सलाह नू समझ लेना, हुक्म नू समझ लेना, क्योंकि उनकी हर सिफत उनका हर गुण एक हुक्म है। इसीलिए अगली तुक विच कह दिता जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणी निधान। उनकी सिफत उनके हुक्म उनके गुणा नू गाउना, भाव समझना। हुण अगली तो कंदर समझा अर्थ ला साफ कर देंगे, उन्हों समझना, उनके हुक्म नू पछाणना, क्योंकि इत्थे गावन दा उस दिन भी लफज आए सन जिहड़ा मूंह नाल गाउणा है, ये आरंभ है, शुरुआत है, ये गड्डे नाल तुरना है, इत्थे रुकना नहीं। इसलिए हुण गुरु अगां तुर रहा है, गावना है कि जिन्हों सेव आखना है, जिन्दे सामने जिस गावन दे सामने आपा मिटाना है, जिस हुक्म दे सामने अपना आप त्यागना है, ते आखना है जी जो तुम कहो सोई मैं कर, हुण करना तो है ना, लेकिन वो करना है जो तू कराए, जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत प्रवान, आग्या मैं भूख सोई कर सूखा। जे तेरे हुक्म विच मैं भुखा रहना पै जाए, मैं समझांगा मैनू सब तो वड्डा सुख है। आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, मैं तो सुख दुख नू हरख सोग नू जानदा ही नहीं, क्योंकि तेरे हुक्म विच आ गया, सोग हरख नहीं जाने हो। जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले मैंने, सेवा की होंगी हुक्म मनना, जिंदी सेवा करनी है वो जो कहे वो करना, इसका ना सेवा। ते जो मनुख की बिरती ये आ गई कि जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले मानियो, तो सेव शुरू हो गई,
तेरा हर कर्म सेव बन गया, तेरा हर कर्म सेव बन गया। गुरु कहन लगे ऐसे श्रवण समर्थ अकाल पुरख दे गुण गाने आरंभ कर लेने, गाना जेड़ा है वह पहली चाल है, पहला आरंभ है। हुण कहन लगे गाउन सुनन ते किते खलो ना जाए, मत गाउन सुनन ते खलो जाए। ते गुरु नू ए भी आखना पवे, भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी आख्या ना, गाए सुने आंखें मीचे पाइए न परम पद, गावे सुने आंखें मीचे पाइए न परम पद है। गाना सुना कुछ नहीं, नहीं केवल आरंभ है। बच्चे का ए बी सी पढ़ना, उड़ा ऐड़ा पढ़ना जरूरी है। जिन्हें उड़ा ऐड़ा नहीं पढ़िया उन्हें किताबां भी नहीं पढ़िया, जरूरी है। इसलिए मूँह नाल जाप भी जरूरी है, पर आरंभ है। ये जे कोई 20 साल के स्कूल जाने तो बाद भी कैदा ही हाथ में फड़ी फिर कहता मतलब रुक गया, अवस्था अगे नहीं तुरी, पर जरूरी है। हर एक चीज का अपना स्थान है। गुरबाणी जीवन की अवस्था अगे तुर रही है। गुरु कहते हैं गावना सुनना आरंभ है, पर अगली गल भी सुन ले। गावी है सुनिए हुण अगली मंजिल, मन रखिए जो कुछ गावना ते सुनना है उनका जेड़ा भाव है उन्हों मन विच टिका, क्योंकि मन विच हन विचार दे तेरे विचारां विच जिस दिन उनका भाव टिक गया, जो कुछ कह रहे हैं वो अंदर टिक गया, जेड़े उनके गुण गा रहे हैं वह गुण अंदर टिक गए विचारां विच, ते विचार ने विहार बनना। जिस दे जिहो जे विचार ने ओहो जे विहार बन गए। इसलिए ये समझ लै उस दिन उस अकाल पुरख का जेड़ा भाव है ना बचन का, वो तेरे जीवन का विहार बन जाएगा। उस दा ना ही होएगा कर्मा दा नाम दा समा जाना, नाम दा कर्म विच प्रवेश कर जाना, शब्द दा कर्म विच प्रवेश कर जाना। इसलिए केवल गावन सुनन ते ना खलोई, मत किते भाई साहब दे कहे वाक वांगू ते गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद। इस तो अगे तू वो है जो गुण उनकी सिफत सलाह तू समझना है ते गा रहे हैं उनके उन्हां गुणा नू अपने हिरदे विच थां दे, टिकाणा दे, उन्हों अंदर बसा। गावीए सुनिए मन रखिए वहा, जिस दिन उनके गुण अंदर टिक गए उन्होंने अंदर थां बना ली, उस दिन तेरे जीवन के घर विच्चों दुख कलेश खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सुख दुख दोनों साम कर जाने की अवस्था बन जाएगी। हुक्म विजू आ गया, हमने तो कही सी आ गया, मैं भूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहेब का सो माथे ले मान्यो, फिर दुख तो चले गए। गुरु कहने लगे जिस दिन उनके गुणा उनके हुक्मों तू अपने अंदर थान देवेंगा, जीवन की विचार ते विचार तो विहार विच ले आवेंगा, बस तेरे जीवन दे घर विच आए। ख्याल करी इत्थे घर दा अर्थ ईटां पत्थरां दा बनाया होया मकान नहीं, इंदे अंदर तां तू सुखां दे बड़े समान इकट्ठे कीते ने, दिन रात बन रहे ने, हर दिन नवीं वरायटी बन रही है, अगे नालों मकान वड्डे ने, पर मकान दा कमरे दा कोई हिस्सा खाली नहीं जिथे कोई ना कोई सुख दा समान नहीं रखिया होया। पर की तू सुखी है? इस इट्टां पत्थरां दे घर विच सुख दा समान लियाउण नाल सुखी है? सुखी होण लई अगे इन्ना कुछ नहीं सी, हुण ते मनुख दे कदी बैड दे सराहणे वेखो, 20-20 30-30 50-50 पैकिंग पई है दवाइयां दी,
भला मैनू सुख मिल जाए। फिर भी रोगी है, फिर भी रोगी। इसलिए ख्याल करी इत्थे घर दा अर्थ है जीवन। जे तू जीवन दे घर विच सुख लियाउणा चाहना है तां इस जीवन दे अंतरू भी घर दे विच लै आ प्रभु दा हुक्म, उंदी रजा। इंदे विचों दुख चले जाणगे, जीवन विच सुख प्रवेश कर जाएगा। जे जीवन विच सुख विच प्रवेश करेगा ना, फिर विश्वास रखी फिर चमकार की गढ़ी विच भी सुख होवेगा, फिर आनंदपुर के सिंघासन ते भी सुख होवेगा, फिर माछीवाड़े के जंगल विच भी सुख होवेगा, क्योंकि जीवन विच सुख है। फिर तू जिथे भी होवेगा उत्थे सुखी होवेगा। मैं एक बार अर्ज़ कीती सी कि आनंद नंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। भले तू आनंद ढूंढना है, आनंद तो गुरु को है। वेख जे वह आनंद किसी शहर में रहा हों ना आनंदपुर हो जाता है, जे वह किसी मकान में रहा उनका ना आनंदगढ़ हो जाता है, तो जे वो सब कुछ छड़ के माछीवाड़े चला जाता उनके को पुछी आनंद अजे भी उनके कोल है, क्योंकि उनके जीवन के घर है। तो गुरु ने यह गल बाणी में आखी, कह लगे गावीए सुनिए मन रखिए वहा दुख पर हर, दुख पर हर सुख घर ले जा। गावन नाल, सुनन नाल, मन विच भावना रखन नाल दुख चले जाते हैं, सुख आ जाते हैं। प्रभु नू, रब नू, परमेश्वर नू, भगवान नू गाउणा चाहिए। लो अगले पासे एक ख्याल आ गया, गाउण लई दो चीज़ों की लोड़ होंदी। मैं एक गल पहला सांझी करना चाहना, गाउण लई दो चीज़ों की लोड़ होंदी है, एक नाद ते एक बेद। नाद तो भाव आवाज, ते बेद तो भाव ओ ग्रंथ जिन दे विच गीत लिखे होंदे ने प्रभु दे भगवान दे, उन्हां नूं असीं वेद ग्रंथ आखदे। जदों नाद विचों राग जन्म लैंदा ते बेद विच बैठा है गीत, उन्हां दोहां नूं मिला के लोग गाउंदे ने। लोग गाउण दा आरंभ कित्थों होंदा? दो चीज़ां गाउण लई चाहिए, नाद ते बेद। जिंदे कोल नाद नहीं वह भी नहीं गा सकता, आवाज़ नहीं। गुरु ने बाणी विच आख दिता कंठे बिन कैसे गावन हारी, जिंदे कोल आवाज़ ही नहीं, नाद ही नहीं, वह की गाएगा। ते जिंदे कोल गीत ही कोई नहीं, कहने नूं ही कुछ नहीं, वह की गाएगा। इसलिए गाउण लई दो चीज़ां दी लोड़ है, नाद दी ते बेद दी। ते गुरु आखदे ने गाउण लई, आरंभ करदे ने गाउण तो। एक सवाल खड़ा हो गया जी, बड़े धर्म स्थान ने जिथे नाद वज रहे ने, नाद वज रहे ने, वेदां दे पाठ हो रहे ने, पढ़े जा रहे ने, ते उन्हां दी अगवाई विच, नाद ते वेद दी अगवाई विच भगवान दे गीत गाए जा रहे ने। भावे ब्रह्मा आख के ब्रह्मा दे गीत गाए जा रहे ने, भावे शिव दे गीत गाए जा रहे ने, भावे विष्णु दे गीत गाए रहे ने, भावे देवियां पार्वती लक्ष्मी दे गीत गाए जा रहे ने। वह सारे तमीख होंदे ने, नाद भी बज रहे ने, वेद भी पढ़े जा रहे ने, ब्रह्मा विष्णु शिव जी दे मंदिर बने हुए ने, उन्हें गीत गाए जा रहे हैं, पार्वती ते लक्ष्मी दे गल फुल्लां दी हारां पहना उत्थे नमस्कारां ते गीत गाए जा रहे हैं। ये सब ठीक है, ये गाउण दा मसला ही है, हो रहा है। गुरु कहन लगे नहीं, मैं इस गल नूं होर स्पष्ट करना चाहना, मैनू ओ नाद ते ओ वेद नहीं चाहिए जिन दे अगे कई भगवान होण,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਨੇਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਨਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਸਭਨਾ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਭਗਵਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਕਈ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਓਮ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦ, ਬਸ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਦ ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਭਲੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹਬਰੀਅਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
इसे लिए मैं अपना आप भी दरमियान विच्चों हटाना चाहना ते आखना चाहना है मेरे सतगुरु, मैं अपनी मर्जी नाल अपनी हों विच अपनी किसे चतराई सियानप नाल रब नू पछाना, ये गल गलत होवेगी क्योंकि मेरी मत थोड़ी है, मैं उन्हूं पछाण नहीं सकांगा, इसलिए मैं अपनी रसना तो अपनी मर्जी नाल कोई गीत नहीं गाना चाहता। ओह गीत गाना चाहना जो तू दे मैं लो, इंदा ना ही है सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनंदे कच्चे कच्ची आख, क्योंकि उस सारी बोली विच उस सारे वेद विच उस सारे बचन विच गुरु नहीं बैठा, उन्दी अपनी हो ते अपनी मत बैठी है, ते उन्दी अपनी मत गुरु दी मत बिना किसे मनुख जिन्नो मर्जी सियाना हो जाए जिन्नो मर्जी विद्वान ते ज्ञानी प्रचारक हो जाए उन्दी अपनी मत मेरे रब दा अंदाजा नहीं लगा सकती। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी आ, तू वड्डा है मैं तेन जान नहीं सकता, हाँ नीवी प्रभ अत ऊंचा, बल्कि शर्ती को रख दिती कहन लगे वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, कहन लगे एवड ऊंचा हो वै कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, तैनू ओ ही जाने जेड़ा तेरे वर्गा हो गया, जेड़ा तेरे वर्गा ते तैनू जानन वाला कौन है, ये भी फैसला बाणी ने देता। कहन लगे सत पुरख जिन जाने सतगुर तिसका ना हर की फैसला देता नाल नाल, ते जेड़ा सत पुरख नू जानदा है ओ उन्दे वर्गा, एवड ऊंचा हो वै कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, उन्दे बराबर दा उत्थे बराबर खलोता है, उन्दे बराबर उन्दा आसन है उत्थे बैठा है, अभेद है वखरा नहीं, नानक सोधे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद, अभेद है। इसलिए दुनिया के लोगों मैं गाउन लई कोई नात भी बाहरों नहीं मंगता, कोई वेद भी बाहरों नहीं मंगता, इसे होर नाद वेद की अगवाई विच मैं ब्रह्म दे प्रभु दे गुण भी नहीं गाना चाहता, उन्दे गाउन लई उन्दी सिफत सलाह करन लई उन्दे गीत गाउन लई भी मैनू अपने गुरु दे नाद की लोड़ है, गुरु दे वेद की लोड़ है, वह है सब नाद वेद गुरबाणी, फैसले के निकली असली वो है सब नाद वेद गुरबाणी मन राता सारंग पाणी, इसलिए गुरबाणी ही मेरा नाद है गुरबाणी ही मेरा वेद है, मैं गुरु अग्गे ही अर्ज करना हे मेरे सतगुरु मैं अपनी सियाणप ते चतराई नाल उन्दे गीत गाना चाह नहीं गा सकांगा, जे हों जाना आखा नहीं, जे मैं आखा भी मैं उन्दे गीत गा लवां ते उन्हूं बुझ लवां उन्हूं पछाण लवां ये गल नामुमकिन है, वह बड़ा वड्डा है मेरी मत बहुत थोड़ी है, जे हों जाना आखा नहीं कहना कथन ना जाई, इहदे स्पष्ट है नाद भी पूरा हो रहा है वेद भी पूरा हो रहा है, लोड़ है नाद बेद दी, इहो कारण है जे नाद बेद गुरु दा छड़ के कोई किसे अपने नाद बेद ते भरोसा रख के प्रभु दे गीत भी गाई जाए ना फिर भी प्रवान नहीं हुंदा। लो आ गल साबित कर दीए कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी बिना कच्ची धारणा ते कच्ची बाणी नहीं पढ़नी। हुण रागनाद बेद तां है आपां रोज श्री आसा जी दीवारिंदर केडा स्पष्ट है कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भात, उत्थे भी तीनों लफ्ज इकट्ठे ने, कोई लुकाते नहीं, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भात कर नहीं हर हर पी जय राम राजे, रब नहीं रीझदा प्रभु प्रसन्न नहीं हुंदा, वो कहिंदा तेरी जबान छोटी है तेरी मत छोटी है तू मैनू छोटा कर रहे है, तू मेरे अंदाजे होर लाई बैठा है, तू मैनू जिसम दे शरीर विच कैद करके रखना चाहना है, तू ते मैनू गुलाम कर रहे है,
तू तो माया का रूप बना के मैनू अंधेरा बनाना चाहना। तेरे अंदाजे तो यो ही ने, जिथों तक तेरी पहुंच है तू उथे ही मेरा अंदाजा लगाना। तेरे अंदर कपट है, तेरे अंदर जे तेरी विचारधारा में करप्शन है, तू मैनू भी करप्ट बनाना। पिछले दिन मैं की एक ख्याल करो, मनुख जो कुछ है रब दे भी असी अंदाजे लगाते, रब दे भी ऐसे लगा। मैं अपना असूल छड्ड देना, अपना सिद्धांत ते अपने गुण छड्ड देना, क्योंकि मैनू कितों कुछ मिलता होवे। असी आखने खोरे रब अगे भी इन्ना कुछ भेट कर देइए तो वह अपने असूल छड्ड देवेगा। ये नहीं वेखेगा भी कमाई कितों करके लिया, भावें पराया हक मारिया हो, भावें चोरी करके ठगी करके लिया हो, कड़ा प्रसाद कराने नाल रब प्रसन्न हो जाएगा। मेरे वर्गा जो होया, मैं वेखना कि मैनू किन्ना हिस्सा मिल गया, कोई हो खरे रब भी ये इस तरह का कृपा। मनुख अपने अंदर जो होंगे ना उ रब का चित्रण करता है, जिन्ना अंतर कपट विकार है। जे साढ़े अंदर कपट विकार ने तो असी उ अंदाजा रब से ला लीए, कि वड्डा गुना है। गुरु कहते ने इसे लिए मैं अपनी सोच से निर्भर नहीं करता, जे हो जाना आखन है, कहना कथन ना जाई। मेरे कहने नालों ने कथया नहीं जाना, क्योंकि मेरी बिरति मेरी अवस्था नहीं भी वो बहुत वड्डा है। जे हो जाना आखना ही, कहना कथन ना जाए, कहना कथन ना जाए। इसलिए अर्ज करना है सतगुरु मेरा नाद बेद तू गुरा एक दे बुझाई। मैं अपनी होते अपनी समझ ते अपनी विद्या ते अपनी चतराई ते मान नहीं करता कि मैं उन्हें गा सकना, मैं उन्हें पछाण सकना। कहन लगे गुरा एक दे बुझाई, हे गुरा तू मैनू ओ एक जेड़ा सा ओम तू पहला तू लिखे है। लो ऐसे रुकना है, इंदा मतलब गुरु तो यह आख रहा है मैनू एक बुझा दे, ते लिख भी सब तो पहला एक रहा है। असी फिर दर दर से भटकते फिरने, इंदा मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था टेकने, अजे श्री गुरु ग्रंथ साहब का आरंभ एक भी नहीं पढ़िया, पूरा मूल मंत्र पढ़ना तो अगली गल है, पूरा जप जी समझना तो अगली गल है, धारण करना तो अगली गल है, अजे तो असी एक भी नहीं बुझिया, बहुत पिछे खलोते हैं। जे भला असी एक बुझ लिया हो ते गुरु को बुझ लिया हो, गुरु ने बाणी अंदर अगे जाके आख्या मन तन अंतर एक प्रभ राता, मन तन अंतर एक प्रभ राता। किवें गुरप्रसाद, गल तो सारी गुरप्रसाद तो चली हुई है, इसलिए तो जप शुरू है। मन तन अंतर एक प्रभ राता, मन तन दे अंदर एक प्रभु टिक गया है, पर किवें टिके है, क्योंकि गुरप्रसाद नानक एक जाता। गुरप्रसाद ने मैनू इको ही तो दसिया है, बाकी तो सारा उस एक दा फैलाओ है। अनक विस्थार एक ते भय, बाकी जिन्ना विस्थार है जिन्ना फैलाओ है उस एक दा। इसलिए एक नू जान लेना ही मूल नू जान लेना है। ते गुरु कहते ने गुरप्रसाद नानक एक जाता। हुण असी सोचिए समझिए ते फैसला करिए कि असी गुरु नू मत्थे टेके ने जां एक ही जान लिया। आरंभ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा, आरंभ है पहला हिंसा है
ओम तो शुरू नहीं किया, एक तो शुरू किया। तो जे भला असी एक नू जान लेंदे, एक नू समझ लेंदे, पहले अखर नाल पहले हिंसे नाल ही जुड़ जाते, असी दर दर ते ना भटकते हैं। अज असी पेकधारियां दे डेरियां ते जाके मत्थे रगड़ रगड़ अपनियां मंगा उन्हां कोलों ना मंगदे, जे सानू उस एक ते विश्वास हो जांदा, देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाही खाए। असी एक देखिया है, एक पढ़िया है, एक गाविया है, एक नू मत्थे टेके ने, एक नू जानिया नहीं। गुरु यो फैसला मंगता, कहता हे सतगुरु मैं अपनी मर्जी नाल उस एक नू नहीं जान सकता, तू रहमत कर। आओ यही अरदास करिए, तू रहमत कर। जेड़ा ओम तू पहला तू एक लिख दिता है ना, जिस एक दे पुजारी होने तो बाद किसी होर वक्रे वक्रे भगवान की देवी देवते की लोड़ कोई नहीं। एक बार की थी बाबा नामदेव जी का शब्द केड़ा स्पष्ट है, कहन लगे हाँ तो एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो, मैनू तो एक रब चाहिए है, जिन्हें देवी देवते ने मैं बदले विच देने तैयार हाँ, कदे कोई सौदा हाँ तो एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो। ते गुरु आखते ने भलिया मैं ते आरंभ विच ही एक लिख दिता है, आओ अरदास करिए गुरु अगे। साड़ी सूझ फिसल रही है, साड़ी मत कन्फ्यूज हो रही है, हे सतगुरु बख्शिश कर। वो जड़ा ओंकार तो पहला तू एका लिखा है ना, मैनू वो एका बुझा दे, ताकि वो एका मेरे अंदर ऐसा वसे, मैनू विश्वास हो जाए सारी दुनिया का सारे ब्रह्मंड का करता भी ते राजक भी वो है, मेरे हिरदे तो कदी दूर ना होवे, कदी विसर ना जाए। बस यो ही लफज ने आखिरी कहन लगे, गुरा इक देह बुझाए, गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, 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 सो मैं विसर ना जा। जागत जोत जपे निस्बासर, एक बिना मन नैक ना आने। कहन लगे मैनू महसूस हुंदा काहू ले पाहन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को सीस नवायो, को बुतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। एक नहीं पछाण रहे गुरु बख्शिश करे, सिख एके नाल जुड़ जाए, जीवन दा सुखाले, जीवन दा
उसरे हुए जीवन का, खिड़े हुए जीवन का आगाज शुरू हो जाएगा। इन्हां शब्दों नाल खिमां दा जाचे खां, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा।